हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। दोस्तों, आज का जो वीडियो हमारा स्पेशली रहेगा वो बीएड में जो कॉलेज अलॉट हुए हैं, प्राइवेट कॉलेज, और उनकी फीस तो आपको पता ही होगी, लेकिन जो ओवर जो लूटते हैं, एक्स्ट्रा फीस लेते हैं, तो उनके लूट के बारे में हम इस टॉपिक पे बात करेंगे आज। दोस्तों, प्राइवेट कॉलेज आप लेने जा रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग प्राइवेट ही लेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट सीट तो बस लिमिटेड है, प्राइवेट सीट तो बहुत ज्यादा है, मतलब कहें तो लगभग 2 लाख के आसपास प्राइवेट सीट ही है। अब 2 लाख के आसपास प्राइवेट सीट है, तो आप एडमिशन लेने जा रहे होंगे 2 लाख बच्चे, तो उनको क्या क्या सावधानियां बरतनी है, मतलब आपका जो बीएड में जो कॉलेज मिलेगा वो आपको किस किस तरह से लूटेगा, कहाँ कहाँ कितना लूटेगा, और उस लूट से आप कैसे बचेंगे। क्योंकि मैंने जो प्राइवेट से किया हुआ है और मैंने जो डिप्लोमा लिया हुआ है टीचिंग का, वो प्राइवेट से लिया है, तो इसकी वजह से हम आपको बता सकते हैं कि कहाँ का कितना खर्चा होगा और आप उससे खर्चे को कैसे कम कर सकते हैं। रीजन होता है कि हम फर्स्ट किसी स्कूल में जाते हैं पहली बार, तो हम डरते हैं, और डरने की वजह से वो हमारे डर का फायदा उठाते हैं। तो वहां पर पहली बात तो डरना नहीं है, और कोई गलत कदम भी नहीं उठाना है, ठीक है, ना ही किसी के साथ कोई गलत बर्ताव करना है जिससे कि आपका जो नाम है वो खराब होगा और हो सकता है आपकी कोई कमजोरी पकड़ में आ जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है जो कि हम आपको बताएंगे। देखिए, पहले हम प्रूफ दिखाएंगे। प्रूफ क्या होगा कि जो प्राइवेट कॉलेज वाले होते हैं उनकी कोई बात का भरोसा नहीं होता। पहली बात, वो बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, ये 100% श्योर है। अगर आप लोग पहले कभी प्राइवेट से रूबरू हुए होंगे तो जरूर जानते होंगे इस बात को। अब बात कर लेते हैं कि हम आपको प्रूफ कैसे देंगे। तो प्रूफ के तौर पर हम आपके सामने, देखिए, ये कमेंट रख रहे हैं, देखना, ये जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हमारे एक व्यूअर हैं, और इन्होंने कहा है कि सर, मेरा एडमिशन नहीं ले रहे हैं प्राइवेट कॉलेज वाले, पहले बोला था फ्री में एडमिशन ले लेंगे तुम्हारा, और जब मैंने काउंसलिंग करते वक्त उस कॉलेज का नाम डाला था, अब जब कॉलेज में गया तो फ्री में एडमिशन नहीं ले रहे हैं, अब मैं क्या करूं, जबकि मेरा जो 216 नंबर था और मेरा स्टेट रैंक 40,303 था, और कैटेगरी रैंक जो था इनका वो 3,990 था। अब देख लीजिएगा, मैंने अपने प्राइवेट स्कूल वालों का जो चैनल पर अपना लिंक देते थे और वगैरह वगैरह अपना बोलते थे, हमसे भी बोला गया था आप हमें प्रमोट कर दीजिएगा, हम आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन हाँ, हम जानते थे कि हम अपने व्यूअर के साथ ऐसा गलत नहीं कर सकते, तो हमने कई बार अपने कई वीडियो में बोला भी है, और कई वीडियो में बोलने के साथ साथ हमने आपको प्रूफ भी दिखाया था कि ये लोग किस गलत करते हैं, और ऐसा हुआ कि कई हमारे व्यूअर, बहुत दुख हो रहा है इस चीज का सुनकर कि आप लोगों ने हमारा शायद वो वीडियो नहीं देखा, इस वजह से आप लोग फंस गए। तो आपको बता देते हैं कि ये इसलिए होता है क्योंकि एक बार अगर आपने फीस दे दी, अगर 25,000 दिया या 20,000 दिया, कुछ भी दिया, तो आप फंस जाएंगे। जैसे वो कहते हैं ना, हम 20,000 में आपका एडमिशन कर लेंगे, 25,000 में एडमिशन कर लेंगे आपका, तो वो देने के बाद वो थोड़ा थोड़ा करके आपसे लेंगे, और आप सोचेंगे 20,000 गए इतना और सही, तो आप वो आगे देते चले जाएंगे और आपका वो अमाउंट बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आती है। दूसरा, उनका कोई रूल नहीं होता, कोई रेगुलेशंस नहीं होते, और कोई मतलब उनका टाइम टेबल नहीं होता। टाइम टेबल का मतलब क्या है, यहां पर देखिए, हमारे जो अगले व्यूअर हैं उन्होंने भी एक कमेंट किया हुआ है, देख लीजिएगा, यहाँ पे ये नहीं बोल रहे हैं, सर मैं आज एडमिशन लेने गई, कॉलेज गई थी तो, बट वहां कोई था ही नहीं, सब हॉलीडे मनाने गए हुए हैं, 24 को आने को बोला है, वहां पे कोई मिला होगा इनको, चपरासी वगैरह या फिर कोई, और उन्होंने बताया होगा स्टाफ के ने कि ये सारे लोग हॉलीडे मनाने गए हैं, अब आप 24 के बाद आइएगा तब होगा। अब आप समझ नहीं सकते हैं, यहां पर यूनिवर्सिटी ऑर्डर दे रही है, मतलब बोल रही है कि आपको 3 दिन में कंफर्म कराना है, कॉलेज जाके रिपोर्ट करना है, ठीक है, अलॉटमेंट लेटर के बाद, और वहां पर ऐसा क्या हो रहा है कि वो लोग होलीडे मना रहे हैं, तो आप देख सकते हैं प्राइवेट कॉलेजों का क्या हाल है। अब अगर हम बात करें, एक और कमेंट ले लेते हैं यहाँ पे, और वो कमेंट आप दिखा देते हैं, आर्यन जी है, बोल रहे हैं प्राइवेट कॉलेज में फी की लूट मची हुई है, पहले तो एडमिशन करा लेते हैं और फिर टूर के नाम पर और प्रैक्टिकल के नाम पर 30 से 40 हज़ार रुपए लूट लेते हैं। हम बताएंगे आपको कितना और कहाँ कहाँ लूटते हैं। ये तो इन्होंने छोटी सी बात कही है, एक इंडिकेशन दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे जितने भी विवरण को इस चीज से आगाह किया है, लेकिन हम आपको और भी बताएंगे इसमें, ठीक है। अब अगर एक और हम कमेंट लेते हैं, तो देखिए उन्होंने क्या लिखा हुआ है, इन्होंने भी बताया हुआ कितना फीस ले, कैसे कितनी कहां पे लूटते हैं। देखिए, 30,000 टूर उनकी जो फीस होगी सेकेंड ईयर की हो जाएगी, फर्स्ट ईयर 11,200 होगी, उसके बाद टूर की फीस के नाम पर 10,000 लेंगे, बाकी प्रैक्टिकल फीस के और एग्जाम फीस के वगैरह के नाम पर भी क्या ले लेते हैं वो 30,000 रुपए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पर एक कमेंट है, सर मैंने अलॉटेड कॉलेज में एडमिशन लिया, पूरे 51,200 डिपॉजिट होने के बाद कॉलेज में 10,000 लिए टीचिंग किट के नाम पर,
है ना, तो आप देख रहे होंगे क्या फीस लगती है ये पूछना चाह रहे हैं, तो हम आपको बताएंगे इसके बारे में भी डिटेल आगे। उसके बाद की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको एक कमेंट और दिखा दे रहे हैं, सेकंड नंबर का एक कमेंट जो है आप देख लीजिएगा। हाँ ये है सुजीत कुमारी, सर मुझे रतन सिंह डिग्री कॉलेज बंसी सिद्धार्थ नगर मिला है, 14 जून 2019 को कॉलेज पर गया था, पता चला कि अभी कॉलेज पर लिस्ट आई नहीं है, दोबारा कब जाए। देखिए प्राइवेट वाले क्या करते हैं, इसीलिए बता रहा हूं कि ये लोग परेशान करेंगे, और जैसे ही आपको कोई परेशान करता है तो आपको ये लगता है कि स्ट्रिक्ट है, इससे अच्छा है कि इसको दे दो जो ले रहा है। प्राइवेट कॉलेज वालों का ये रूल होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि आपको अपना कैसे क्या करना है, आपको बिल्कुल टेंशन तो लेनी नहीं है, आप हमारे साथ बने रहिएगा, प्राइवेट कॉलेज वालों के साथ कैसा आपको बर्ताव करना है मैं सारा का सारा आपको बता दूंगा। अब आ जाइए बात कर लेते हैं हमने कौन से टॉपिक आपको समझाने के लिए लिखे हुए हैं। तो आप पहला देख रहे होंगे कॉलेज में कितनी फीस और लगेगी, सबसे पहले हमने आपको ये समझाना है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, सबसे पहले आप समझ जाएंगे कितनी फीस और लग जाएगी, उसके बाद आप देख रहे होंगे हम बात करेंगे कॉलेज वालों की लूट, मतलब कॉलेज वाले कहां कहां कितना लूट लेंगे आपसे, आपको देखना ये बॉडी वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे तो आप कम से कम 20 से 30 हजार रुपए का फायदा अपना कर सकते हैं बीएड में। तो आप ये वीडियो अंत तक देखिएगा और समझ जाइएगा कहां कहां हम कैसे कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो लोग हैं वो रजिस्ट्रेशन पर लूटते हैं, सबसे पहले आप जाएंगे कॉलेज में तो क्या करेंगे, वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म देंगे आपको, उसके बाद कहेंगे यहां से किट मिलेगी, किट के नाम पर लूटेंगे, उसके बाद कहेंगे आपकी एबसेंटी 100 से 200 रुपए पर डे के हिसाब से लेंगे वो, ठीक है। और कहां पर लूटेंगे आप देख लीजिएगा, प्रैक्टिकल के नाम पर लूटेंगे, टूर के नाम पर लूटेंगे, एग्जाम फी के नाम पर लूटेंगे, कितना एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं कॉलेज वाले इसकी भी बात करेंगे, कैसे पैसा कम कराएं इसकी भी बात करेंगे, एक्स्ट्रा पैसा न देने पर क्या होगा, क्या एडमिशन नहीं देंगे, क्या क्लास अटेंड नहीं करने देंगे, इन पर बात करेंगे हम, ठीक है दोस्तों। तो आप बने रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा, हमने देखा है कि बहुत सारे लोग उन टॉपिकों पर बात करते हैं जो हमने उस वीडियो में बता दिए हैं, अभी कमेंट करके वो क्वेश्चन पूछेंगे जो हमने वीडियो में डिस्कस किया है, इसका मतलब ये लोग वीडियो पूरा नहीं देखते और फिर परेशान रहते हैं, सर मैं रिप्लाई कैसे करूं जो चीज मैं उन्हें उस वीडियो में बताई हुई है, पर उसका मैं आंसर कैसे बता सकता हूँ आपके कमेंट में। तो आप वीडियो को देखेगा, अगर वहां अगर आपका कोई क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं मिला है या क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले वीडियो पूरा देखना है, और दूसरी चीज आप लोग तुरंत वीडियो देखा और उस पर कमेंट करना लग गए, उसको लाइक भी नहीं करते, तो हमने देखा मैसेज ज्यादा जाते हैं लाइक कम आते हैं, इसका मतलब आप सिर्फ सिर्फ अपनी सोचते हैं, तो थोड़ा हमारे बारे में भी सोचिएगा, हमें मोटिवेट करिएगा जिससे कि हम आपको अच्छी अच्छी वीडियो और हेल्पफुल वीडियो आपके मार्गदर्शन करते रहे। तो दोस्तों आ जाइए बात कर लेंगे सबसे पहले हम कॉलेज में कितनी और लगेगी फीस, अब कितनी और लगेगी ये फीस है आपकी और वाली, तो आ जाइए कहां से कहां तक कैसे कैसे कॉलेज वाले लूटते हैं तो हम बात कर लेंगे यहां पर, ठीक है। तो पहला जो हमारा काम है इनके बारे में बात करना। अब सबसे पहले क्या होगा, जब आप कॉलेज जाएंगे तो वो कहेंगे कि पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए कॉलेज वालों पे ऊपर डिपेंड करता है, वो अलग अलग होता है सबका, देखिए ये लूट है इसीलिए तो अलग अलग है, अगर सेम होती तो फिर क्यों लूटते, लूट नहीं, लूट भी क्या है अलग अलग है, 1,000 लेगा कोई एग्जाम रजिस्ट्रेशन फॉर्म के, कोई 1,500 लोग है, कोई 2,000 लेगा, अपना अपना है, ठीक है। इनके बारे में बात करेंगे हम बचाएंगे कैसे। दूसरा किट के नाम पर, किट क्या है, किट है आपको कुछ किताबें देगा, कुछ बोर्ड वगैरह देंगे, हो सकता है ड्रेस वगैरह भी दे दें, कहीं कहीं ड्रेस भी देते हैं कहीं नहीं देते हैं, तो ये डिपेंड करता है वो क्या क्या दे रहे हैं, और उसकी जो फीस लेंगे वो 8 से 15 हजार लेंगे, ठीक है। अब आप सोच सकते हैं अगर ये फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया आपको तो कम से कम मिनिमम मान लीजिएगा तो 1,000 आपका इधर हो जाएगा, अगर यहां भी किट की बात करें तो कम से कम 8,000 रुपए तो लेगा ही लेगा, 8 से कम तो कोई नहीं लेगा, और 15 मतलब 10,000 भी ले रहे हैं, अभी आपने देखा था मैसेज में उन्होंने बताया कि 10,000 रुपए लिए हैं किट के, तो 8, 10 या 15 तक कुछ भी ले सकते हैं वो लोग, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें, आपने अगर कॉलेज गए और आपको कोई काम पड़ जाता है तो आप एब्सेंट हो जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे काम पड़ जाते हैं जिसकी वजह से आप एब्सेंट होंगे, ये आप कॉलेज अटेंड करेंगे तो आपको क्या होगा, शुरुआत में अटेंड जब करने जाएंगे ना आप, तो ये लोग क्या करेंगे कि ऐसा कोशिश करेंगे कि आप उनका कॉलेज छोड़कर चले जाएं, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग चाहते हैं कि आप उनका कॉलेज छोड़ जाएं और आप एब्सेंट रहें और आप उनको एब्सेंटी की फीस दें, प्राइवेट कॉलेजों का ये नियम है। दूसरी चीज अगर हम बात करें कि प्राइवेट कॉलेज में अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो कितनी फीस लेंगे वो, इसीलिए तो छुड़वाते हैं, शुरुआत में जाएंगे तो आप ही, जून चल रहा है, जुलाई जून जुलाई में होता क्या है, जुलाई में ये क्या करेंगे आपसे धूप में एक्सरसाइज प्रैक्टिस करवाएंगे, मतलब कह सकते हैं पीटी वगैरह, तो जब अब धूप में कराएंगे तो कौन करना चाहेगा, परेशान हो जाएगा, छोड़ना चाहेगा, कुछ छोड़ने के मन में होते हैं तो ऐसी बातें आती है तो छोड़ देते हैं, तो
तो ये लोग क्या करते हैं कि ये काम कराते हैं, नहीं तो वो बता देते हैं कि अगर आपकी एक भी परसेंट मतलब एबसेंट हुआ एक भी, तो आपसे एक एबसेंटी क्या 100 रुपया या 200 रुपया पर डे के हिसाब से लगेगा, मतलब एक दिन का गैप हुए, या फिर ये ऐसा कह सकते हैं इंटरवल के बाद दो बार ये वो लेना शुरू कर देते हैं प्रेजेंटी, ठीक है। तो इसके मतलब ये यहाँ से लूट करेंगे। अगला बात करें अगर हम प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल की जो फीस है उसमें भी ये लूट करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल की कोई फीस फिक्स नहीं होती, क्योंकि होती है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि अच्छे नंबर देने के लालच में क्या करते हैं, ये बच्चों से फीस ले लेते हैं और प्रैक्टिकल में कोई मना नहीं कर पाता, फीस सारे लोग दे देते हैं। उसके बाद अगर हम टूर की बात करें तो ये टूर के नाम पर भी लेते हैं, देखिए 3 से 5 हजार रुपए ले लेते हैं टूर के नाम पर, आपको टूर ये कराएंगे वो कराएंगे उसके नाम पर जरूर देना पड़ता है। ये प्राइवेट कॉलेज है, अगर आप सोच रहे होंगे कि नहीं हम जाएंगे नहीं टूर और नहीं देंगे, आप नहीं जाएंगे ना, वो क्या कहते हैं जाओ या नहीं जाओ, टूर के देने हैं 3 से 5 हजार, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे इन पर एग्जाम फीस, ठीक है। एग्जाम फीस 2 से 3 हजार रुपए ले लेते हैं ये, और एग्जाम फीस 2 से 3 हजार रुपए क्यों लेते हैं, यहां पर सिर्फ एग्जाम फीस होती है 1040 रुपया, ठीक है, 1040 रुपए होती है कुल एग्जाम फीस, लेकिन ये 2000-3000 तक ले लेते हैं स्कूल वाले, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं लूटना तो है ही ना, कहीं ना कहीं लूटते रहेंगे, और हर बच्चे से अगर इतना लेंगे तो समझ सकते हैं आप 100 सीटों के हिसाब से ये कितना कमाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर टोटल, ठीक है, कितना पैसा एक्स्ट्रा ले सकते हैं ये लोग, तो देखिए एक्स्ट्रा की बात करें हम सबसे मिनिमम चार्ज से स्टार्ट करेंगे, कम से कम कितना लेंगे, तो देखिए रजिस्ट्रेशन पर 1000 लेंगे कम से कम, और किट पर लेंगे 8000, कम से कम वाला लेके चल रहे हैं। 8000 कब लेंगे, एक सेमेस्टर का, और आपके सेमेस्टर है 4, तो 8×32,000 ये हो गया आपका, और 1000 यहां से 33000 हो गया। अभी एबसेंटी का अगर छोड़ दो, अगर मान लेते हैं आप 15000 के हिसाब से लेंगे, अगर आप नहीं जाना चाहते तो 60000 रुपया इनको देना पड़ेगा कम से कम, तो 60000 ये हो गया, ठीक है, 3800 इधर हो गया था, तो ठीक है 63800 रुपए इधर दे दिया अपना, कम से कम प्रैक्टिकल फीस 3000, तो 66000 हो गया, कम से कम 3000 फीस टूर का, तो 69,369,000 हो गया। उसके बाद एग्जाम फीस 2000 71000 हो गया। अब यहां मिनिमम चार्ज आपसे लेंगे तो वो 71000 रुपए लगभग के रूप में ले लेंगे, अगर आप कॉलेज नहीं जाना चाहेंगे तो, अगर कॉलेज जाना चाहेंगे तो ये 60000 कम कर रहे हैं ना, ये 60000 कम कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता होगा ये 100-200 के हिसाब से आपसे बहुत सारा पैसा ले लेंगे, रोजाना प्रैक्टिकल की ये फाइल बनाओ वो फाइल बनाओ, ये लेके आओ वो लेके आओ, परेशान करेंगे, शुरुआत में ध्यान रखना। और आप अगर सीखना चाहते हैं चीजों को अच्छे से करना चाहते हैं मेंटेन, तो आप बिल्कुल आप एडमिशन लीजिएगा और एबसेंट मत होइएगा, जाइएगा। हाँ पढ़ाई नहीं होती है, टाइम वेस्ट होता है, लेकिन आप खुद से पढ़िएगा, कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैंने भी यही किया था। अब उसके बाद अगर आपको करना क्या है, आपने देख लिया ना 70000-60000 रुपए आपको दे देना पड़ेगा, और अगर आप ज्यादा करेंगे तो कम से कम अगर स्कूल भी जाएंगे तब भी स्कूल वालों को कम से कम 30000 रुपए देंगे आप, लगभग 30000 रुपए देंगे, क्योंकि इधर एबसेंटी के रूप में कुछ दे देंगे और कुछ वो एक्स्ट्रा खर्चा करा लेते हैं, रहोगे बाहर जाके अगर कॉलेज मिला तो वहां खर्चा हो जाएगा। तो आपका ये खर्चा था मिनिमम। अब अगली बात जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो क्या है कि कितना एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं कॉलेज वाले लोग, वो आपने देख लिया ऊपर। अब अगला इंपॉर्टेंट ये है कि कैसे पैसे कम कराएं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दूसरी चीज अगला बात करेंगे तो एक्स्ट्रा पैसे न देने पर क्या होगा, ठीक है। तो पहली बात कर लेते हम पैसे कैसे कम कराएं। सबसे बढ़िया ये लोग क्या करेंगे, शुरुआत में आपसे बार्गेन करेंगे, मतलब आपसे बातचीत करेंगे कि आप इतने पैसे दे दीजिएगा आपको, मतलब ये चल चीज चर्चा में रहेगी, आप जैसे स्कूल जाएंगे पता चल जाएगा, चर्चा में रहेगी कि एबसेंटी के इतने दे रहे हैं, क्योंकि हर बच्चा चाहता है कि घर रहें या फिर तैयारी करें या कुछ और करें तो वो छोड़ना चाहता है। तो ये एबसेंटी के नाम पर क्या करेंगे, वो पैसे आपसे कम करने की कोशिश भी करेंगे, पहले तो बहुत ज्यादा मांगेंगे, कम से कम 20 से 25 हजार रुपए पर सेमेस्टर के हिसाब से मांगेंगे। तो आपको यहाँ पे बार्गेन करना पड़ेगा और 2-10-15 दिन जाने के बाद कोशिश करना कहीं, तो वो क्या करेंगे कि वो समझ जाएंगे कि ये बच्चा नहीं छोड़ने के इच्छुक लग रहा है। आप पहले ज्यादा वो मत करिएगा, अगर आप ज्यादा करेंगे तो वो समझ जाएंगे ये छोड़ेगा, और अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना है कि आप कुछ दिन स्कूल जाइएगा और वहां पे इस कम से कम स्टाफ से जो जानकार हो, वहां पे अच्छे टीचर भी मिल जाते हैं कहीं कहीं, तो उनसे बार्गेन करना, उनसे बातचीत करना, और वो आपके पैसे कम करा देंगे, और बिना बार्गेन के कहीं कुछ नहीं होना। तो आपको उनसे जरूर मतलब बातचीत कर लेंगे, अपना कम से कम में कराने की कोशिश करेंगे, कहीं अपना अगर रिलेशन निकलता है, कोई कनेक्शन निकलता है तो वो निकालेंगे, आप कोशिश करेंगे कम से कम पैसे आपके लगें। अगर आप एक्स्ट्रा पैसा नहीं देंगे, अगर आप कह रहे हैं कि नहीं देंगे हम तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि वो आपका एडमिशन नहीं देंगे, ऐसा कदापि नहीं है, आपका एडमिशन उनको करना पड़ेगा, क्योंकि आपने फीस सबमिट कर दी है,
ठीक है, लेकिन आपको यहां पर डरना नहीं है बिल्कुल भी। बस वो लोग कहेंगे कि हम आपको प्रैक्टिकल में नंबर नहीं देंगे, आपको ये कर देंगे, आपको वो कर देंगे, बहुत सारे आपको ऐसे ही बताएंगे कि आप डर जाएं, ठीक है, डरना नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिकल में नंबर की बात करें तो ये प्रैक्टिकल में नंबर जो देंगे वो इतने कम भी नहीं देते जो कि आपको ज्यादा लॉस हो, इतने रुपयों का नहीं होगा। क्योंकि हमारे वहां साथ ऐसा था, एक बंदे ने बिल्कुल उसका फीस तक नहीं दिया था, मतलब कोई 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं दे रहा था, एग्जाम फीस भी तो मुश्किल से दे रहा था, और उसके साथ ऐसा ही हुआ, बस परेशान करते रहे, लेकिन अंत में उसे सब कुछ सही हुआ उसका। तो ऐसा होता है। और अगली बात करें तो क्लास अटेंड नहीं करने देंगे, वो मना क्यों करेंगे, आपको परेशान कर सकते हैं। आप खुद अटेंड नहीं करेंगे तो 4 दिन बाद उनका फोन पहुंचेगा, आप कॉलेज क्यों नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आप क्लास अटेंड करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं करने देंगे तो आप मना करें तो मत जाइएगा, अपने आप बता देंगे कि क्लास आइएगा। ठीक है, वो डराने की तो बहुत कई तरीके से कोशिश करेंगे, आप डरिएगा नहीं। ठीक है दोस्तों, और अगर कॉलेज के टाइम भी हम आपके साथ बने रहेंगे, क्योंकि हम आपके साथ छोड़ने वाले नहीं है, हम आपको बीएड पूरा करा देंगे इसी चैनल के माध्यम से। दोस्तों हम आपके साथ इसलिए बने हुए हैं क्योंकि हम आपको आगे जो सेमेस्टर में क्या चलेगा, बाकी आपका टेट सीटेट में कैसे तैयारी करनी है, पूरा का पूरा आपके लिए हम मटेरियल तैयार कर रहे हैं और इस चैनल पर धीरे धीरे प्रोवाइड कराते रहेंगे। कुछ हमने सीटेट टेट के डाल भी रखे हैं स्पेशली, तो आप उन्हें देख सकते हैं और उनसे पता लगा समझ सकते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर कैसी तैयारी आपको करनी है और कैसे हम कराते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, इसमें हम कुछ डाउट थे वो हमने क्लियर किए हुए हैं, कॉलेज के बाद में बताए हुए हैं। अगर आपका फिर भी कोई डाउट हो तो आप इसके कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको अगले वीडियो में वो डिस्कस करके बता देंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, अब मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।